दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं हो रहा है आपसे, तो उस नंबर को कैसे आपको सेव करना है। डायल पैड पे जाना है और इसके बाद आपको कोई सा भी कॉन्टैक्ट नंबर एक ओपन कर लेना है। जैसे मैं लोगो पे क्लिक कर लूँगी और यहाँ पे जाने के बाद आपको प्लस का निशान देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको अगर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका पहले से सेव है उसमें अगर आपको ऐड करना है वही नंबर दोबारा से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका नंबर डायल कर सकते हैं। और अगर आपको नया कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है तो क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे प्लस के निशान पे, तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसका नाम डालना है। तो यहाँ पर मैं उसका नाम डाल दूँगी। और अगर कोई उसका लास्ट नेम है, जैसे कुमार या सिंह वगैरह, तो लास्ट नेम पे क्लिक करके उसका लास्ट नेम डाल देंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर डिटेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा कि अगर आप फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसकी कोई फ़ोटो वगैरह लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसका फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और जो जो ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये नंबर आपका सेव हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस स्टेप से आप कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।